बाबा 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 कहाँ पे हो बाबा? अरे यार पता नहीं कहाँ चल गए बाबा। बाबा मैं थक गई मैं बहुत थक गई समझे। बाबा बाबा सब मरे हुए हैं क्या? बाबा 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सजा काट रहे हैं, ये सब सताए हुए लोग हैं। आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? यहाँ से स्वर्ग या फिर नर्क जाएंगे। पर कैसे? पता है सबसे अजीब चीज क्या है? इस दुनिया के अंदर रहना भी नर्क जैसा ही है, यकीन नहीं होता? बाबा आप यकीन नहीं करेंगे मुझे आज क्या याद आया। आपने बचपन में मुझे गाली देने को कहा था ना, फिर आप सबने मिलकर मेरा कहकर मजाक उड़ाया था। मेरे अंदर तो तब भी दिमाग नहीं था। क्या बाबा प्लीज अब मुझ पर हंसो मत, ठीक है? आपने पहले ही मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। अगर मैं खुल के दिल की बात बोल पाता तो सब अलग होता, पर अब मैं फट्टू हो गया हूँ। हर मोड़ पर जिंदगी में मुझे हमेशा डर लगता है। अगर कुछ खो देने का डर लगता है फिर तो खो दोगे, आसान है अगर समझ लो तो। हाँ आपके लिए तो ये आसान है, आपको अब किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही है, जब मर जाओ तो किस चीज का डर। तो क्या करूं, मैं भी मर जाऊं क्या? हाँ हट पगले, ऐसा नहीं बोलते। क्या अजीब हरकतें करते हो आप बाबा। और मुर्दा लोग के सपने कौन देख रहा है अभी? मैं तो अच्छा खासा प्लेयर होते होते रह गया था मम्मी। कोच ने मेरे अंदर के हुनर को पहचान लिया था, पर फैमिली संभालना बहुत जरूरी था। अब तुम मुझे पूछोगे कि तुम्हारे बाप या खाने में से एक को चुनो तो खाना बेहतर है ना? कम से कम सुकून तो देते हैं कबाब, बिरयानी, मालपुए वगैरह, किसी का भी नाम लो, अच्छा लगता है खाने के बाद। मैं तो स्ट्राइकर बन सकता था मम्मी, फुटबॉल का स्ट्राइकर। मेरे पास कितना बड़ा ग्राउंड भी था, पर इंसान जो चुनता है आखिर वो बन ही जाता है, आपको तो पता ही है ना उसके बारे में। पता नहीं ये चाबियां कहाँ छिपाई है भाई ने। नो वे पागल भाई। आज 13 अप्रैल 2013 है और घड़ी में 13 यानी 1 बज रहे हैं। क्या इत्तेफाक है? आज 13 बजे 13वें दिन 2013 को मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। बस आज दिल चाहा कि तुमसे कह दूं, तुम्हें याद करते करते देखता हूँ। यहाँ की गलियों की बत्तियाँ शाम 7 बजे बुझ जाती है, तुम्हारी याद में इनके साथ चलता हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है मेलिस, कभी कभी 7:05 तक भी वो जलती है तो कभी कभी 7:10 तक भी टिमटिमाती है। नहीं मेलिस झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी तो 7 और 7:30 के बीच रंग भी बदलती है। जो भी हो मेलिस मैं तुम्हें चाहता हूँ, इतने सालों से मैंने हर रोज तुम्हें प्यार किया है। मेलिस क्या कभी तुम भी मुझे चाहोगी? फिर मैंने उसे क्या पीटा और जो उसके मुंह पे मारना शुरू किया मैं तो उसे खत्म ही कर देता, पर फिर वो वीडियो गेम वाले कॉइन्स खत्म हो गए तो फिर मैं उसे मार ही नहीं पाया। वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब तुम मेरे पेट में थे। अरे मैं तो चाहती थी कि तुम्हें पैदा होने से पहले ही गिरा दूं, पर तुम्हारे पिताजी नहीं माने। मुझे तो आज भी कोई बोल दे तो मैं आज ही तुमसे छुटकारा पा लूं बेटा, सच कहूं तुम्हें।
हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, हम एक दूसरे से झूठ थोड़ी ना कह सकते हैं मॉम। लोग चाहते हैं कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी फैमिली देखूं, और सबने जो चाहा वही मैंने चुना, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या इशारों में बात चल रही है तुम दोनों की? कोई नई कोडवर्ड वाली लैंग्वेज शुरू की है क्या? इधर देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे पता है तुम उस कमीनी चुड़ैल औरत के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे हो। कौन सी औरत? फिर से लाले मत कहना। मैंने लैला थोड़ी कहा, उसका नाम लिया। बस निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। निकलो अभी, निकलो यहाँ से। अरे अरे अरे, हम तो बस बैठकर बात कर रहे थे, तुमने अचानक से यहाँ से क्यों पड़ जाता है? चला, समझ में नहीं आता मुझे, और लोग पता नहीं मुझे पागल क्यों कहते हैं। मम्मी, मुझे लेटर्स मिले हैं। उस सैफू ने मुझे 2227 लेटर्स लिखे थे, भाई ने छुपा कर रखे थे, उनमें से सिर्फ मुझे 27 मिले हैं। तो बड़ा शर्मिला है। 1 2 3 मम्मी मम्मी, मुझे तैफूर को मिलने जाना है, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूंगी? अच्छा आइडिया है, पर कैसे? मम्मी मेरी प्लीज मदद कर दो ना, सोचो ना मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ। मैंने उसे इतना जोर से मारा कि वो गिर गया और उसका मुंह पास वाले खंबे से टकरा गया। बेचारे का फेस पूरा टेढ़ा हो गया था। तब जाके मुझे कुछ अच्छा लगा, पता है। ए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या देखते रहते हो यहाँ पे? हाँ, रात में क्या तारे गिन रहे हो क्या तुम? वो नए साल की पार्टी कब मनाएंगे? मैंने कभी पार्टी नहीं की, मैं तो बस मातम मनाता हूँ। तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मनाते हैं। घर में आग लगी है। लगता है घर में आग लगी है। घर में आग लग गई है। चलो मम्मी, मम्मी, मम्मी। तैफूर, मिलिस, तैफूर, भागो, तैफूर भागो। मेलिस, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? तैफूर, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। अरे, सर पे चोट लग गई है क्या? भाई ने जो तुम्हारे लेटर्स छुपाए थे, मैंने पढ़ लिए। क्या तुम सच कह रही हो? अब जाके पढ़े? अरे अब चलो पहले। क्या कर रहे हो? संगीत है, पंछियों का। चुप करो तैफूर। चाय तो पी ले बेटी। तो कैसा था एग्जाम, ओपन फैकल्टी एग्जाम? तू तो सच में पूरे खानदान में सबसे ज्यादा समझदार निकली। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हो गया आपको मम्मी? शाबाश, और अब बाहर जाकर नौकरी करना। हाँ, क्या जॉब जॉब लगा के रखा है, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं रखने वाला है, प्लीज। सही बोल रहा है ये। जब देखो उन लफंगों के साथ घूमते हो, तुम करोगे क्या और खाओगे कब? क्या अभी? बस बस मेलिस, तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है। तब मम्मी रखाओ तो सही। ये मेलिस कहाँ गई है? यहीं तो बैठिए। अरे तो आपको मैं क्या अंधा लगता हूँ, मैं पागल लगता हूँ क्या, बेवकूफ लगता हूँ? मुझे क्या दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर गई है मेलिस? बताओ मुझे। क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम तो पहले से ही पागल हो। मम्मी अब मेरी प्यारी बच्ची, तू इसकी मत सुनना। मेरी बहन को लेकर गए? मेरी बहन को कौन लेकर गए? चलो मेरी बहन को ढूंढना है।